वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। भारत और नेपाल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले नक्शे को लेकर विवाद बढ़ा, उसके बाद बिहार बॉर्डर पर नेपाली पुलिस ने फायरिंग की, फिर गंधक बांध पर मरम्मत के काम में रुकावट डाली। अब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि भारत उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। क्या है नेपाल के पीएम का दावा और क्या है उनके आरोप का आधार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल के बीच तनातनी बढ़ रही है। इस तनातनी की वजह पीएम ओली का चीन प्रेम बताया जा रहा है, लेकिन ओली का आरोप है कि भारत उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि भारत उनकी सरकार गिराना चाहता है। ओली के मुताबिक इसके लिए दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। ओली का आरोप ऐसे वक्त सामने आया है जब सत्ता पर काबिज गठबंधन में उनके चीन प्रेम की कड़ी आलोचना हो रही है। विरोधियों ने ओली पर दो आरोप लगाए हैं। पहला ये कि ओली सरकार ने नेपाल की जमीन का बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया। दूसरा आरोप है कि कोविड-19 से निपटने में सरकार नाकाम रही। नेपाल के अखबार द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक नेपाल सरकार के गठबंधन में ओली का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ऐसे में वो आलोचकों को सुनने और शांत करने की जगह पहले की तरह इंडिया कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कुर्सी बचाने की कोशिश माना जा रहा है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने कहा है कि भारत उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने लिम्पिया धुरा, लिपुलेक और काला पानी को संविधान संशोधन के जरिए नेपाल के नक्शे में शामिल किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ओली ने कहा, भारतीय मीडिया में आपने सुना होगा कि मैं अगले एक या दो हफ्ते में पद से हटा दिया जाऊंगा। इस बारे में वहां काफी बातें की जा रही हैं। भारत सरकार की मशीनरी भी एक्टिव है। ओली ने कहा कि 2016 में मैंने जब चीन के साथ व्यापार समझौता किया तो मुझे सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नेपाल के पीएम ने भले ही इंडिया कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन उनकी ही सांसद ने इन कोशिशों पर पानी फेर दिया। सांसद राम कुमारी झनकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ओली को चीन का कट्टर समर्थक माना जाता है। पार्टी के दूसरे धड़े के नेता पुष्प कमल दहल कई मुद्दों पर उनका विरोध कर रहे हैं। पिछले हफ्ते पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही दिन शामिल हुए। इस रिपोर्ट में हमने आपको नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के उस आरोप से रूबरू कराया जिसमें उन्होंने भारत पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई ऐसी हरकत कर सकता है या अपनी गद्दी बचाने के डर से ओली इंडिया कार्ड खेल रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।